किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हर फार्मर को यदि आप किसी भी क्रॉप की खेती करते हैं तो ये जो वीडियो है आपको कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। हमारा जो आज का टॉपिक वो ये है कि आप देख रहे होंगे, स्पेशली यदि आप सब्जी वर्ग के फसलों की खेती करते हैं तो हमारी फसलों में रोगों को और कीटों का जो अटैक है लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी फसलों में रोग और कीट इतना ज़्यादा अटैक करते हैं, यदि हम हफ्ते या 10 दिन में एक बार अपनी फसल पर स्प्रे ना करें तो या तो जो हमारी फसल है फंगस के कारण, बीमारी के कारण ख़त्म हो जाएगी या कीटों के कारण ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो डिजीज है वो हमारी फसलों पे अटैक कर रहे हैं, जिसके कारण हमें लगातार अपनी फसलों पर किसी ना किसी पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके रूट कॉज को समझने वाले हैं कि आखिर जो डिजीज हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो हमारी फसलों पर इतना ज़्यादा अटैक क्यों कर रहे हैं, हम इससे कैसे बचें कि जो हमारी फसलों पर जो रोग आ रहे हैं, जो कीट आ रहे हैं, उसको हम नेचुरल ही ठीक कर पाएँ, वो हमारी फसलों में ना आए या कम से कम आए। तो वही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी जो वीडियोज हैं वो आपको यूजफुल लगती हैं, आपके किसी काम की होती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमारी सॉइल के अंदर आप जानते हैं कि सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया हो या फंगस हो या कीट हो, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो बेनिफिशियल होते हैं, एक हार्मफुल होते हैं। बेनिफिशियल उन्हें कहते हैं जो हमारी फसलों को उसकी ग्रोथ में या उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए या उसकी ग्रोथ में लाभकारी हो। दूसरी तरफ जो हार्मफुल कीट होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होते हैं, वो होते हैं जो हमारी फसलों में तरह तरह की बीमारियों को लाते हैं या उसकी जो ग्रोथ है उसमें बाधा बनते हैं। तो ये आप सब जानते हैं कि बेनिफिशियल भी होते हैं यानी कि लाभकारी भी होते हैं, और हार्मफुल भी होते हैं यानी कि नुकसानदेह भी कीट या फंगस होते हैं हमारी सॉइल के अंदर। तो देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि लगातार जब हम अपनी फसलों में पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, मान लीजिए हम पेस्टिसाइड का, किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे हमने अपनी फसलों पर किया, तो उससे क्या होगा कि सॉइल के अंदर, या आप ड्रिंच करते हैं तो उससे क्या होगा, सॉइल के अंदर जो बेनिफिशियल फंगस है यानी कि लाभकारी फंगस है वो उसको भी ख़त्म करेगा, और जो हार्मफुल फंगस है उसको भी ख़त्म करेगा। क्योंकि जो पेस्टिसाइड है, जो फंजीसाइड है, वो ये नहीं देखता कि ये हमारी लाभकारी है, ये हमारी हार्मफुल है, तो वो दोनों को ही ख़त्म कर देता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए अभी हमारी जो बेनिफिशियल जितने भी कीट होते हैं, चाहे फंगस हो, बैक्टीरिया हो या कीट हो, उनको जो एनवायरनमेंट पसंद होता है वो उस तरीके का होता है कि हमारी जो सॉइल की पोरोसिटी अच्छी हो, उसमें भुरभुरापन हो, उसमें एरेशन अच्छा हो, उसमें कार्बन की मात्रा अच्छी हो और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी सॉइल की अच्छी हो। तो ऐसी सॉइल को, ऐसे एनवायरनमेंट को हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, फंगस या कीट, वो ऐसे एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जो हार्मफुल होते हैं, बैक्टीरिया हो या फंगस हो या कीट हो, वो ऐसी सॉइल के एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं जिसमें एरेशन अच्छा हो ना हो, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी ना हो यानी कि सॉइल में जल भराव रहे, या उसमें कार्बन ना हो, कार्बन की मात्रा कम हो, सॉइल हार्ड हो। तो इस तरीके की सॉइल को पसंद करते हैं जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगस होते हैं। तो देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, जब हम स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर फंजीसाइड का, तो दोनों तरह के जो हमारे, चाहे लाभकारी फंगस हो या हमारी नुकसानदेह फंगस हो, दोनों को ख़त्म कर देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी खेतों में ना तो गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक खादों को लगातार उपयोग कर रहे हैं और पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का लगातार उपयोग कर रहे हैं। उसके विपरीत जो गोबर की खाद है वो हम नहीं डालते हैं, या जो और भी जो हमारे कार्बनिक खाद है, जैसे हरी खाद का उपयोग हम नहीं करते हैं, जैसे ढहचा उगा के उसको खेत में ही हम कल्टीवेट कर देते हैं, तो ऐसी खादों का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं, सॉइल में एरेशन करें, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो ऐसी खादों का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसके विपरीत जो हमारे रासायनिक खाद हैं उनका उपयोग हम लगातार कर रहे हैं, रासायनिक केमिकल का उपयोग लगातार कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सॉइल का एनवायरनमेंट है वो कैसा होता जा रहा है कि सॉइल हार्ड होती जा रही है, सॉइल में की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उसमें कार्बन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो एनवायरनमेंट कैसा तैयार हो रहा है, जो हार्मफुल पेस्टों के लिए लाभकारी है, जो हार्मफुल जो हमारे फंगस है या बैक्टीरिया है उसके लिए लाभकारी है। तो ऐसा एनवायरनमेंट हम अपनी सॉइल का क्रिएट कर रहे हैं। अब आपने स्प्रे किया अपने खेतों में या ड्रिंच किया तो दोनों तरह की फंगस मर गई, लेकिन उसके बाद जो हमारी बेनिफिशियल फंगस है वो अपने आप को उसमें ग्रो नहीं कर पाती है,
क्योंकि उस सॉइल का जो एनवायरनमेंट है उस तरीके का नहीं है, उसके विपरीत जो हानिकारक फंगस है वो अपने आप को तेजी से डेवलप कर पाती है, क्योंकि हमने जो सॉइल का एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर दिया है। आप जानते हैं कि आप अपनी सॉइल में स्यूडोमोनास का या जो हमारा ट्राइकोडर्मा फंगस है उसका उपयोग आप करते हैं, तो ये क्या होता है, ये नेचुरल फंगस होती हैं, ये नेचुरली हमारी सॉइल में पाई जाती हैं या पाई जाती थी, लेकिन हमने एनवायरनमेंट को चेंज करके अब उसकी जो कमी है वो लगातार हो गई है। अब वो जो फंगस है लाभकारी या लाभकारी जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी सॉइल के अंदर नहीं मिलते हैं, उन्हें हम अलग से देते हैं। अलग से देने के बाद भी वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि हमारी सॉइल का एनवायरनमेंट उसके लायक नहीं है। अब क्या होता है कि क्योंकि जो हमारी सॉइल में जो बेनिफिशियल फंगस है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो नहीं ग्रो कर पाते हैं, उसके विपरीत जो हानिकारक फंगस है, हानिकारक बैक्टीरिया है वो तेजी से ग्रो कर पाते हैं, तो इससे हमारी फसलों में जो रोग है, डिजीज है, वो ज़्यादा आते हैं। यदि हम उसके विपरीत एनवायरनमेंट तैयार करें कि हम अपनी जो सॉइल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का प्रयोग करें, हरी खाद का उपयोग करें, तो इससे हमारी जो सॉइल है वो उसकी जो एनवायरनमेंट है वो जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास या हमारा जो फंगस है ट्राइकोडर्मा, तो उसके लायक वो जो एनवायरनमेंट है सॉइल का वो तैयार होगा। इससे जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल फंगस है, वो तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो जब वो तेज़ी से ग्रो करेंगे उस सॉइल में, तो यदि उस सॉइल में हानिकारक फंगस डेवलप करती है तो जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया या बेनिफिशियल फंगस है, लाभकारी फंगस है, वो जो हानिकारक फंगस है उसकी ग्रोथ को रोक देंगी, उसको नहीं बढ़ने देती हैं, तो जिससे हमारी फसलों में रोग नहीं आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी फसलों में रोग क्यों आ रहे हैं। तो यदि हमें अपनी फसलों में रोगों को कम करना है या उनको जड़ से ख़त्म करना है तो हमें नेचर को समझना पड़ेगा। तो हमारे सॉइल में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल जो फंगस है, स्यूडोमोनास होती है और भी बहुत सारी बेनिफिशियल होती हैं, तो उनके लायक जो हमें एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना पड़ेगा अपनी सॉइल के अंदर। यानी कि गोबर की खाद का आप उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें या हरी खाद को कम से कम 2 साल में एक बार हरी खाद उगाएं और उसको उसी में कल्टीवेट कर दें अपने फील्ड में, या जो भी हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, उनका उपयोग करें। स्पेशली जब आप प्रिवेंटिव में कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड उपयोग करते हैं कि आपकी फसलों में अभी इंसेक्ट नहीं है या रोग नहीं है, तो आप प्रिवेंटिव में ही डालना चाहते हैं केमिकल को कि वो जो कीट है या फंगस है वो आपकी फसलों में ना आए, तो उसकी जगह आप जो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है ऑर्गेनिक में, आप नीम ऑयल का उपयोग करें प्रिवेंटिव में, केमिकल का ना करके नीम ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, या खट्टी लस्सी का उपयोग कीजिए, वो एक फंजीसाइड के तौर पे काम करता है, या स्यूडोमोनास का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए प्रिवेंटिव में, या जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसको अपनी सॉइल में यूज कीजिए, स्प्रे में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव में आप इनको यूज करें, केमिकल को प्रिवेंटिव में बिल्कुल यूज ना करें, और गोबर की खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, हरी खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, एनवायरमेंट अच्छा बनाएं अपनी सॉइल का, जिससे आपकी फसलों में रोग नहीं आएंगे, आपको केमिकल पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर ये देखिए, ये एकदम से नहीं होगा, आपको कई सालों में जाके आपको ये धीरे धीरे करना पड़ेगा, इस तरीके का एनवायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में आप कर दें, आपको साल दर साल जब आप इस तरीके से करेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, तो इससे जो एनवायरनमेंट आपके सॉइल का अच्छा बनेगा, उसमें जो बेनिफिशियल हमारे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्रिएट होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे, फिर आपकी फसलों में रोग नहीं आएंगे या कीट कम से कम आएंगे। तो इस तरीके से आप जो रोग हैं, जो डिजीज हैं, उनको कम कर सकते हैं अपनी फसलों में। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।